हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोमोज की रेसिपी। बाजार जैसे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट मोमोज आप घर में कैसे बना सकते हैं। साथ ही हम इस वीडियो में सीखेंगे बाजार जैसी लाल चटनी बनाना। तो मोमोज के साथ जो लाल चटनी मिलती है ना, बहुत ही टेस्टी सी, चटपटी, तीखी सी, वो भी हम इसी वीडियो में फटाफट से बनाना सीखेंगे। तो बहुत ही टेस्टी मोमोज बनाने के लिए आपको क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, तो आइए मैं दिखा देती हूँ आपको। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन मोमोज को हम कढ़ाई में बनाएंगे, यानी कि मोमो स्टीमर आपको नहीं चाहिए। कढ़ाई में बहुत ही आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले मोमोज के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए मेन इंग्रेडिएंट है पत्ता गोभी। तो आपको चाहिए 2 कप घिसा हुआ पत्ता गोभी। तो कद्दूकस किया हुआ पत्ता गोभी हमें चाहिए होगा, 2 कप लिया है मैंने। इसमें हम 1 कप यानी कि 1 गाजर हम लेंगे घिसी हुई, वो भी हम इसमें घिसकर डाल देंगे। 1 बड़े साइज का प्याज मैंने लिया, उसको भी मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप किया, एकदम बारीक काट कर आपको डालना है। 1 चम्मच नमक डालेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, आप जो है मोमोज घर में बना रहे हैं तो आप चाहे तो इसमें आप मशरूम भी बारीक काट कर ऐड कर सकते हैं, आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं बारीक काट कर, और नमक लगा दीजिए आप 1 चम्मच के करीब, और उसके बाद में आप इसको साइड में कवर करके छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए। सब्जियां पानी छोड़ेंगी, उसके बाद में पानी को हम निचोड़ देंगे, और उसके बाद में हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करके स्टफिंग को रेडी करेंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, पानी रिलीज कर दिया है सब्जियों ने। तो अब हम लेंगे 1 मसलिन क्लॉथ यानी कि मलमल का कपड़ा, इस तरह से रखेंगे, फिलिंग को इसमें ट्रांसफर कर देंगे। एजेस को गैदर करते हुए, स्क्वीज करते हुए इसमें जो भी पानी होगा उसको हम कंप्लीटली स्क्वीज आउट कर देंगे। तो देखिए पानी हमने निकाल दिया है। ये जो पानी आप नीचे देख रहे हैं बहुत ही टेस्टी पानी है, और आप इसको आटा मारने में यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसमें इससे कोई भी सूप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारी स्टफिंग है इसको हम निकाल लेते हैं बोल में, खोल लेते हैं इसको, और अब इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है। तो अब इसमें हम कुछ चीजें और मिलाएंगे जिससे हमारी स्टफिंग और भी टेस्टी बनेगी। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च को बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है और ऐड कर दिया है। 2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने बारीक ग्रेट कर लिया है, बारीक काट कर भी ऐड कर सकते हैं। 8 से 10 आपको लेने हैं लहसुन, लहसुन को बारीक काट कर डालना है। 1/4 चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, और 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, या फिर हरा प्याज भी बारीक काट कर डाल सकते हैं, तो जो भी आपके पास हो आप ले लें। तो मिक्स कर लिया है हमने। अब इसमें हम एक काम और करेंगे जिससे हमारी स्टफिंग और भी ज्यादा टेस्टी बनेगी, और इससे जब हम मोमोज तैयार करेंगे तो हमारे मोमोज बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे। तो हमें इसमें ऐड करना है 2 से 3 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल आपको डालकर इस तरह से मिक्स करना है। अब फाइनली हमारी जो स्टफिंग है मोमोज बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इस स्टफिंग को हम साइड में रख देते हैं, और अब हम आगे बढ़ते हैं और मोमोज के लिए आटा लगा लेते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है कोई बड़ा सा बर्तन, कोई मिक्सिंग बोल लेकर इसमें ऐड करें 1 कप मैदा, 1 कप मैदा डाला है मैंने, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, और 2 से 3 चम्मच के करीब हम इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। सारी चीजों को सबसे पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से सारी चीजें कंबाइन हो जानी चाहिए, और इसके बाद में पानी लगाकर हम इसका आटा गूंथेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सारी चीजों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं, धीरे धीरे करके इसमें पानी डालते जाएं और आटा गूंथते जाएं। तो आटा यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं लगाना है, बीच का आटा होना चाहिए। तो जिस तरह से आप पूड़ी का आटा लगाते हैं लगभग वैसा ही हमें इसका डो चाहिए होगा। तो देखिए डो लगाकर हमने रेडी कर लिया है, इसको हम अच्छे से चिकना करेंगे मसलते हुए। चाहे तो हल्का सा ऑयल भी लगा सकते हैं हाथों में और इसको अच्छे से चिकना कर लें। और ये देखिए हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ मैं, और इसको हम अच्छे से चिकना करके ढककर रख देंगे लगभग 30 मिनट के लिए, यानी कि 1/2 घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे, और इसके बाद में हम इससे लोइयां तोड़कर इसकी पूड़ी बेलना शुरू करेंगे। 1/2 घंटा हो चुका है फ्रेंड्स। अब देखिए हम इस तरह से इससे लोइयां तोड़ेंगे छोटी छोटी, तो बिल्कुल छोटे छोटे हमें पेड़े तोड़ने हैं जिससे हम छोटी छोटी पूड़ियां बेलेंगे मोमोज के लिए, उसके बाद में बीच में स्टफिंग करके हम इससे मोमोज बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 कप मोमोज से लगभग 18 से 20 के करीब आप मोमोज बना सकते हैं। तो सारी लोइयां मैंने बना ली है,
तो लोइयां बनकर रेडी है। इसको आप किसी गीले कपड़े से, हल्के गीले कपड़े से ढककर रख दें ताकि ये लोइयां सूखे ना। अब देखिए दूसरी तरफ मैंने क्या किया है, मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई को आपको रखना है गैस पर। आंच को खोल दिया है मैंने, मीडियम हाई कर दिया है। इसमें मैंने डाला है 1.5 गिलास पानी। पानी डालकर पानी को उबलने देना है। ऊपर छलनी रख देंगे इस तरह से, तो कोई भी स्टील की छलनी आप रख सकते हैं। हल्का सा इस पर ऑयल लगा दीजिए ताकि जो मोमोज जब आप इस पर प्लेस करें तो वो चिपके ना। तो आपको कोई भी स्टीमर नहीं चाहिए, कोई भी अलग से आपको मोमोज की स्टीमर की जरूरत नहीं है, अलग से कोई भी अपैरेटस की जरूरत नहीं है। इस तरह से ऊपर से ढक दीजिए इसको ढक्कन से, या फिर प्लेट या थाली से ढक सकते हैं, और पानी को उबलने दीजिए। दूसरी तरफ इस तरह से लोई को हमें बेल लेना है बेलन की सहायता से, और लगभग 3.5 से लेकर 4 इंच के व्यास में हमने इसको बेला है। बेलने के बाद में यहाँ पर देखिए बीच में स्टफिंग रखनी है। लगभग 1 टेबलस्पून के करीब मैंने स्टफिंग रख दी है, और इस तरह से प्लेट्स को बनाकर इसको गैदर करते हुए हम मोमोज तैयार कर लेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ पास से किस तरह से आपको मोमोज बनाने हैं। पतली सी देखिए मैंने इसको बिल्कुल पतला बेला है, बीच में हम स्टफिंग रख देंगे। ध्यान से आप देखें किस तरह से आपको मोड़ना है। इस तरह से उठाएं और प्लेट बनाते जाएं, प्लेट को पास पास में चिपकाते जाएं। स्टफिंग को बीच में हम रखते जाएंगे, थोड़ा सा अंगूठे से बीच में खिसकाते जाएंगे अगर स्टफिंग आए। और ये देखिए बीच में इस तरह से मिला दें, और जिस तरह से मोदक की हम शेप देते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने इसको शेप दी है। तो अब मैं आपको एक शेप और दिखाती हूँ जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है हमारी प्रीवियस शेप से। देखिए अगेन हमने पूरी बेलकर इसमें स्टफिंग रख दी। प्लेट्स हम लगाना शुरू करेंगे, और सिर्फ हाफ वे यानी कि आधा ही हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। देखिए पूरे के आधे साइज में हमने लगाई है प्लेट्स, और बाकी को हमने ऐसे ही चिपका दिया, तो हमें एक अलग शेप बिल्कुल डिफरेंट मिल जाएगी। तो इस तरह से भी आप चाहें तो मोमोज बना सकते हैं। बाकी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी शेप्स होती हैं मोमोज बनाने की, आपको जो भी इजी लगे आप वो बना लें। देखिए यहाँ पर मैंने सारे मोमोज स्टीम करने के लिए रेडी कर लिए हैं। थोड़े से और बचे हैं तो वो भी हम स्टीम करने के लिए रेडी कर लेंगे। स्टीमर रेडी हो गया था हमारा, पानी अच्छे से बॉयल होने लगा था, स्टीम अच्छे से आने लगेगी। उसके बाद में हम इसमें इस तरह से मोमोज रख देंगे जितने आप एक बार में रख पाएं। थोड़ी थोड़ी दूरी रखनी है आपको, इस बात का ध्यान रखें एकदम से ओवरलैप ना करें। ढक्कन लगा दीजिए, और ढक्कन लगाकर मीडियम हाई फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम होने दीजिए। आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं, स्टीम हो गए हैं नहीं, ये जानने के लिए आप देखेंगे तो जो मोमोज हैं वो थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे और आपको हल्की हल्की फिलिंग नजर आने लगेगी। तो मोमोज बनकर तैयार हैं, इसको हम चटनी के साथ एंजॉय करेंगे। तो मोमोज की चटनी मैंने पहले से बनाई हुई है, रेसिपी मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। तो मोमोज की चटनी बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको लेनी है लाल मिर्च। मैंने यहाँ पर 8 से 10 काश्मीरी मिर्च ली हुई है, जिसको मैंने टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर एक बोल में डाल दिया। इसके साथ ही तीखी वाली जो लाल मिर्च होती है, सिंपल लाल मिर्च जिसको कि तड़के में हम यूज करते हैं, 3 से 4 वो भी ले ली, उसको भी मैंने बोल में डाल दिया। और अब इसमें हम 1 कप गर्म पानी डालेंगे। पानी एकदम खौलता हुआ होना चाहिए, और गर्म पानी डालकर इसको ढककर छोड़ देंगे लगभग 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद में आप देखेंगे ये मिर्ची इस तरह से थोड़ी सी सोख होकर थोड़ी सी फूल जाएंगी। अगर नहीं सोख हुई है तो थोड़ा सा इनको आप और टाइम के लिए रख सकते हैं, या फिर आप इनको अलग से पानी में उबाल भी सकते हैं। तो देखिए अच्छे से सोख होने के बाद में देखिए हरी मिर्च को मैंने डाल दिया है ग्राइंडिंग जार में, और अब इसमें हम 2 टमाटर रफली काट कर डाल देंगे। टमाटर अगर एकदम लाल लाल होंगे तो कलर और भी अच्छा आएगा। वैसे काश्मीरी मिर्च यूज हुई है तो जिसकी वजह से ऑलरेडी हमारी मिर्च का चटनी का कलर अच्छा आना ही है। 2 चम्मच के करीब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, चटनी है तो नमक थोड़ा ज्यादा जाएगा। 2 चम्मच नमक डाला है मैंने, और 2 टेबलस्पून यानी कि 4 चम्मच के करीब हमें डालना है सफेद सिरका, व्हाइट विनेगर डाला है। इससे बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आएगा। और 7 से 8 इसमें डाल दें आप गार्लिक क्लब्स यानी कि लहसुन की कलियां मैंने डाली हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, इसको फटाफट से हम पीस लेंगे, और पीसने के बाद में हमारी ये मोमोज के लिए चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर, इसका कलर। बहुत ही टेस्टी चटनी बनी है, और आपने मार्केट में जब भी खाया होगा तो कुछ ऐसा ही टेक्सचर आपको लगा होगा। तो लाल मिर्च को उबालने के बाद में, टमाटर को उबालने के बाद में चटनी भी बनाई जाती है, तो वो भी मैं आपको बहुत जल्द सिखाऊंगी। फिलहाल तो आप ये फटाफट से बनने वाली चटनी एंजॉय करें, और इस चटनी को आप आराम से 15 दिन तक फ्रिज में रख के एंजॉय कर सकते हैं। किसी भी कांच के या प्लास्टिक के एयरटाइट कंटेनर में भरकर आप इसको रख दीजिए, और जब भी चाहें आप इससे मोमोज बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए फाइनली हमारे मोमोज बनकर बिल्कुल तैयार हैं, और आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही ट्रांसलूसेंट है, और इतने ट्रांसलूसेंट है कि इनकी जो अंदर की फिलिंग है वो भी आपको नजर आ रही होगी।
बहुत ही अच्छी शेप आई है, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, आप इनको बनाकर जरूर देखें। अब मैं आपको दिखाती हूँ इनको तोड़कर, तो हम इसको एंजॉय करेंगे रेड चटनी के साथ जो मैंने घर पर बनाई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको फटाफट से लाल चटनी भी दिखा दी जाए, क्योंकि लाल चटनी के बिना तो इसका टेस्ट बिल्कुल अधूरा है। देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही नर्म है अंदर से, और बहुत ही जूसी है, बहुत ही टेस्टी है। तो इसको हम एंजॉय करेंगे फटाफट से तीखी चटपटी चटनी के साथ। तो मैं तो जा रही हूँ इसको एंजॉय करने, खाऊंगी इसको मजे से और सबको खिलाऊंगी। आप भी इसको फटाफट से बनाइए, मेरे तरीके से बनाकर देखिए और रेसिपी कैसी लगी लिखकर जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।